जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को देश के दो महापुरुष स्वर्गीय इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि एवं जयंती मनाई गई। जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि देश में कई महापुरुष जन्म लिए, लेकिन इन दोनों की एक अलग कार्यशैली और छवि देश में थी। आज भी लोग उनके किए गए कार्य को याद करते हैं, इसलिए हम सभी देशवासी इस अवसर पर एकत्रित होते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके जो किए हुए कार्य हैं, हम लोग उनसे प्रेरणा लें। यहाँ अन्य नेताओं ने भी दोनों महानुभावों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में अजय सिन्हा, मदन लाल विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, राजेश तुरी, सद्दाम हुसैन, सैफुद्दीन खान, कृष्ण सिंह, समीर राज चौधरी, आलमगीर आलम, पंकज सागर, बलराम यादव, चंद्रशेखर सिंह, सुजीत मंडल, राम प्रसाद राय, मुस्तफा, राजीव रंजन आदि मौजूद थे। आज जिला कांग्रेस कार्यालय गिरिडीह में लेडी आयरन और देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई, साथ ही देश के लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती मनाई गई है। आज हम लोग पूरा कांग्रेस परिवार और इस देश की जनता महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने इस देश के लिए क्या त्याग किया, क्या बलिदान दी, तब जाके आज इन लोगों की हम लोग जयंती और पुण्यतिथि मना रहे हैं। जैसे कि हजारों देश में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, लेकिन इनकी एक अलग छवि इस देश में और पूरे विदेश में उनकी एक छवि बनी हुई थी, जिसका आज भी हम लोग हर एक साल उनके पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पर हम लोग सभी एकत्रित होते हैं और पुनः एक बार हम लोग उनको नमन करते हैं और इनके जो देश के लिए इन्होंने बलिदान दिया था, जो इन्होंने कार्य किया था इस देश के लिए, हम लोग उनके नक्शे कदम पर चलने का एक प्रयास रहता है। जिस तरह से हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पूरे बैंक को जो प्राइवेट करण था यहाँ पे, उसको राष्ट्रीयकरण किया था, इस चीज़ को हम लोग देशवासी आज भी नहीं भूल पा रहे। धन्यवाद।